क्षेत्रीय अस्पताल ऊना का डायलिसिस सेंटर अब सुविधा के बजाय असुविधा का कारण बन चुका है। डायलिसिस सेंटर में चिकित्सक नहीं होने के चलते मरीजों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। कई मरीज तो यहां पर सुविधा नहीं मिलने के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसे में अब क्षेत्रीय अस्पताल प्रशासन ने डायलिसिस सेंटर को बंद करने का निर्णय लिया है। जब तक डायलिसिस सेंटर में चिकित्सक की तैनाती नहीं की जाती है, तब तक इस डायलिसिस सेंटर को बंद रखा जाएगा। इसके लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 3 माह से डायलिसिस सेंटर में चिकित्सक नहीं होने के चलते अब तक सेंटर में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। मैं अपनी फैमिली लेकर आया जी, और काफ़ी दिनों से डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर की बहुत ज़रूरी है इधर, क्योंकि पेशेंट को कई बार बीपी या और चीज़ें कम ज़्यादा हो जाती है, शुगर हो जाती है, तो डॉक्टर का बड़ा रहना ज़रूरी है जी। किसका डायलिसिस करवाने आया? मैं अपनी वाइफ का करवाने आया जी। कब से आ रहे हैं आप? हम इधर कम से कम 3-4 महीने से आ रहे हैं सर। एक्चुअली एकदम से इमरजेंसी, ऐसे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर वीके जोशी यहाँ पे हमारी उनसे बात हुई थी। वो बोल रहे थे कि अगर इमरजेंसी, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कॉल कीजिए, मैं साथ के साथ अवेलेबल हो जाऊँगा। अस्पताल में जो डायलिसिस सेंटर है वहाँ पर पिछले काफ़ी समय से डॉक्टर नहीं है, क्या कहना चाहिए? इनको हमने हफ्ता पहले भी वॉर्न किया था कि आपका हम सेंटर बंद कर रहे हैं डॉक्टर की, और दिल्ली में मेरी इनके जो हेड है उनसे बात हुई है, उन्होंने बोला था मंडे को आपका हमारा डॉक्टर ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद भी डॉक्टर ने ज्वाइन नहीं किया, और रिपीटेड रिमाइंडर्स के बाद भी अगर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आज से हम ये डायलिसिस सेंटर बंद कर रहे हैं। जब इनका डॉक्टर आएगा तभी डायलिसिस सेंटर खुलेगा, और जो डेथ्स हुई है उसकी इंक्वायरी होगी, अगर इनकी नेगलिजेंस पाई जाती है तो इनके ऊपर भी एक्शन किया जाएगा। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से अनिल पटियाल के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।